गांधी और शास्त्री जयंती पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन। निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर में सैकड़ों नागरिक हुए लाभान्वित। झांसी संघ सेवा समिति एवं रतन ज्योति नेत्र चिकित्सालय के आयोजन एवं हिंदू महासभा संस्थान क्लब के संयोजन में आज जनपद के नारायण बाग के पास लाड महाकालेश्वर विद्यालय में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमे मुख्य अतिथि के रूप में संघ सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सराफ की उपस्थित रहे। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। तब पश्चात रतन ज्योति अस्पताल के डॉक्टर्स एवं स्टाफ द्वारा लगभग 250 लोगों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें कुछ लोगों को मोतियाबिंद आदि समस्याएं पाई गईं। कुछ मरीजों को बस द्वारा निःशुल्क रूप से ऑपरेशन के लिए ग्वालियर भेजा गया, जहां सभी मरीजों के आने जाने रुकने और खाने पीने की सुविधा निःशुल्क रहेगी। मरीजों को चश्मे और दवाएं वितरित की गईं। इस दौरान समाज सेवी डॉक्टर संदीप सराबगी ने कहा, हमारे शरीर का मुख्य अंग नेत्र है। हाथ पैर से दिव्यांग भी किसी न किसी तरह अपना जीवन यापन कर लेता है, लेकिन नेत्रहीन के लिए धनोपार्जन करना बहुत ही मुश्किल होता है। संदीप जी, किस संस्था द्वारा कैंप लगा है, क्या उद्देश्य रहा है? सबसे पहले तो हमारे समस्त नगरवासी, हमारी मातृशक्ति, हमारे परिवार को, हमारे झांसी वासियों को नव दुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं। नव दुर्गा के उपलक्ष्य में आज नारायण बाग चौराहे पे लाड महाकालेश्वर स्कूल में कैंप नित्य, जिन लोगों को आंखों से कम दिखाई देता है या जिन्हें मोतियाबिंद का इलाज कराना है, उनके लिए यह कैंप लगाया गया है। विशाल गुप्ता जी लाड महाकालेश्वर के प्रिंसिपल अध्यक्ष संस्थापक हैं। मैं संसद संघर्ष सेवा समिति का अध्यक्ष संस्थापक हूँ। बड़े गांव दरवाजे बाहर से हमारे गहोई समाज के लोग और बाकी हमारे यहाँ के सबसे प्रतिष्ठित पंच, जिन्हें हम राजू भाई साहब बड़े भाई कहते हैं, आपके सान्निध्य में सब लोगों ने मिलकर यह कैंप, विजय भैया हमारे पहाड़िया जी, हिंदू महासभा के लोग, सारे लोगों ने मिलकर, बड़े गांव बेस्ट जो बेस्ट समिति है, सारे लोगों ने मिलकर, सनशाइन क्लब, सारे लोगों ने मिलकर आज यह कैंप लगाया है। और यहाँ पर सैकड़ों की संख्याओं में चश्मा वितरण हुआ है। आँखों की जिसकी रोशनी कम थी या जिसे कोई परेशानी थी, उनका निराकरण हुआ है। और जिनको भी मोतियाबिंद का इलाज कराना है, मैं यह बात मैं समस्त झांसी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी मोतियाबिंद का इलाज कराना है, वो संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस में आए। यहाँ से बस द्वारा उन्हें ले जाया जाएगा, उनके खाने का व्यवस्था हम लोग करेंगे और उनको वापस घर छोड़ने की व्यवस्था हमारी, और मोतियाबिंद का इलाज हम लोग फ्री करा रहे हैं। सहयोगी संस्था कौन थी? सहयोगी संस्था हमारी रतन ज्योति, जो मेडिकल गेट नंबर 3 के सामने इनका बना हुआ है। हमारी छोटी बहन जैसी सूजन, जो इस काम में सबसे ज़्यादा प्रयास करती है और हम लोगों के संग में, हम लोगों के परिवार के संगे परिवार मेंबर की तरह रहती है। इसलिए समस्त झांसी वासियों से मेरा यही निवेदन, किसी को भी कोई भी तकलीफ हो, अगर वास्तविकता में कोई परिवार में बेटी गरीब है, तो उसका श्रृंगार कराने का, उसको पैर धो के विदा करने का काम, उसको 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस देने का काम, या इस तरह के हजारों काम हम लोगों के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए आप लोग, पूरी झांसी के लोगों से निवेदन है कि बेफिक्र होकर SM टावर जोकन बाग आए, अगर शहर में है तो नारायण बाग चौराहे पर लाड महाकालेश्वर के जो हैं भैया हैं विशाल गुप्ता जी, इनसे मिल सकते हैं। अगर आप ITI साइड है तो विजय पारिया से मिल सकते हैं। अगर आप रक्षा साइड है तो हमारे राजू भाई साहब से मिल सकते हैं, राय साहब से मिल सकते हैं, हमारी मातृशक्ति, हमारी भाभी बहनें वगैरह खड़ी हुई हैं, किसी के भी संपर्क में आप आएँ, हम लोग सदैव आपके सेवा में तत्पर हैं।